बच्चों, दो चोरों वाली न्यूज ये तो सुननी ही पड़ेगी। वो क्या है कि मुझे इस तरह की न्यूज सुन के बड़ा डर लगता है। वो बुजुर्ग आदमी हूं ना, अकेला रहता हूँ। ताऊजी, लेकिन ये न्यूज सुननी चाहिए। इस न्यूज को सुन के आदमी चौकन्ना रहता है। और ताऊजी, हमारे आस पास क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। लाइए। नहीं बेटा, क्या है कि इस तरह की न्यूज सुन के मेरा बीपी बढ़ जाता है। ये यार बीपी, तो जी काम कीजिए, आप आंखें बंद कर लीजिए। बस इतना ही, लेकिन कानों से तो सुना ही देगा ना। अरे यार, लेकिन तो अब देखिए, मतलब लाइए तो यार, ये रिमोट कहाँ गया? कहाँ गया? ये रिमोट कहाँ गया? यार, ये संस्कार दिए हैं तुम्हें कस्तूरी ने कि तुम बार बार अपने बुजुर्गों को सवाल पूछते रहो। हाय, लेकिन ये रिमोट कैसा लग रहा है परियो? छल परी की कैद। तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं ना? हाँ? अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं अभी दूर कर देती। तो फिर खुद को हमसे दूर करो छल परी। अफसोस भटकाती परी, इसकी तो अब तुम आदत डालो, क्योंकि इस तकलीफ के साथ तो अब तुम्हें हमेशा रहे। इतनी गलत फहमी में मत रहो छल परी, अगर बालवीर यहाँ आ जाएगा ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करेगा। तुम अपने हश्र की चिंता करो विजधार परी, क्योंकि इस वक्त तुम मेरी कैद हो। और रही बात बालवीर, तो अगर वो यहाँ आ भी गया तो मेरी मर्जी के बगैर तुम लोगों को यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। लो छल परी, आ गया बालवीर, अब तुम्हारी खैर। बहुत डरा लिया तूने हमें ढोकले, अब मैं तुझे भूत बन के डराऊंगा। अरे मानव, रुको, मैं हूँ रॉकी चाचू। रॉकी चाचू, आपने तो मुझे डरा दिया। लेकिन रॉकी चाचू, आपने भूत के कपड़े क्यों पहने? बदला लेने के लिए। मुझसे? अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं, ढोकले से। ढोकला मुझे बहुत डराता था ना, आज मैंने ढोकले को डरा दिया, अब ढोकला मुझे कभी नहीं डराएगा। लेकिन रॉकी चाचू, आपने जो स्केलेटन का ड्रेस पहना है उसमें तो सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां है, और कुत्तों को तो हड्डियां चबाना पसंद है, तो फिर ढोकला आपसे डर कर भाग क्यों गया? ये ढोकला आपसे डर कर भागा नहीं था, बल्कि आपको खाने की तैयारी करने गया था। देखो, मैं आपके अंदर बात कर आया है। सॉरी ढोकला भाई, मैं दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। ढोकला मेरा पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए, मैं कहाँ छुपूँ, मैं कहाँ छुपूँ?
वाह वाह, कमरे में कोई नहीं है, यही सही मौका है सारे जेवरात चुराने का। लगता है ये ढोकला मेरी तरफ ही आ रहा है, क्या करूं क्या करूं। लगता है पास आ गया है, इससे पहले ये मुझे काटे मैं इसे काट लेता हूं, मेरा मतलब भाग जाता हूं। क्या हुआ क्या हुआ? मुंडे भाई, मैं रॉकी। रॉकी? थैंक गॉड। पापा, आपकी अलमारी खुली क्यों है? रॉकी, अलमारी का दरवाजा तुमने क्यों खोला? नहीं नहीं, मैंने तो ये वाला दरवाजा खोला। तो ये दरवाजा कैसे खुला? मुझे नहीं पता, मैंने जब ये दरवाजा खोला तब ये दरवाजा बंद था। ये दरवाजा कैसे खुला था? पता नहीं। अरे एक मिनट। रॉकी चाचू के अलावा तो यहाँ सिर्फ ताऊ जी है। ये ताऊ जी को क्या हो गया? और अलमारी का दरवाजा खोलकर ताऊ जी घर पर आ गए। दगड़ दुम। अब बालवीर हमारी बराबर कबर लेगा और हमारी कबर खोदेगा। तौबा तौबा गोबा गोबा, तुम लोग डरो मत, बालवीर हमारा कुछ नहीं कर सकता। पक्का? अच्छा गोबा गोबा। डर मत गोबा गोबा। आ गए तुम बालवीर अपनी भोली और प्यारी परियों को बचाने, लेकिन कोई फायदा नहीं। और वैसे भी अब तो मैं तुम्हें भी कैद कर दूंगी इनके साथ। ऐसे सपने देखना बंद कर दो छल परी, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। और परियों को आजाद कर दो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। आजादी नहीं सजा दूंगी मैं बालवीर। और तुम्हें भी, अगर तुमने इन्हें बचाने की कोशिश भी की तो। छल परी को पता ना चल जाए कि नटखट परी अपने गले में लगे खुफिया चित्र खींचू यंत्र से कैद खाने का चित्र खींच रही। मुझे कुछ करना होगा, वरना हमारी सारी योजना बेकार हो जाएगी। क्या? हाँ? क्या क्या? कुछ नहीं। परी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मिल जाए कोई ऐसा उपाय ये दोनों दुष्ट हंसने लग जाए। अपने गोबा गोबा और तौबा तौबा की तरह बेवकूफ मत बनो और परियों को जाने दो, वरना वो अगली बार सेना लेकर आएगी और तुम्हारा अंत कर देगी। तुम मुझ पे आक्रमण करोगे बालवीर? मुझ पे? परियो। क्या हुआ बालवीर? बचाओ अपने परियों को, बचाओ अपनी भोली और प्यारी परियों को। छल परी, बालवीर, हम जो करने आए थे हमने कर लिया। मेरा मतलब है कि
हम तो छलपरी को समझाने आए थे, लेकिन हमारी बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए अब हम यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है छलपरी, हम जा रहे हैं, लेकिन परियों को तुम चोट मत पहुंचा। वाह, इस सुनहरे ताले की वजह से इस बार बालवीर भी मेरे सामने बेअसर है, बेअसर। अरे मुझे हार्ट अटैक आ जाता। अरे कोई किसी को ऐसे डराता है क्या? तो पर कैसे डराते? रॉकी सॉरी जी, रॉकी की गलती नहीं। अरे नहीं तो क्या अमृत लाल की गलती है? ताऊ जी दरअसल वो ढोकले से डरकर रॉकी भैया यहाँ छुप गए थे और आपको लगा कि वो भूत है। लेकिन ताऊ जी मुझे ये बताइए, आप ये अलमारी खोल के क्या कर रहे थे? चाबी। क्या चाबी? अलमारी खोल के चाबी अंदर से ढूंढ रहे थे? अरे तुम्हारी अलमारी की चाबी जो तुमने मुझे दी थी वो मैं तुम्हें वापस लौटाने आया था, लेकिन जब मैं कमरे के अंदर आया तो मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चाबी को संभाल कर अलमारी के अंदर रख देता हूँ। अच्छा ऐसी बात है? हाँ यही बात है, और नहीं तो क्या। नहीं, तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं चोर हूँ और तुम्हारी अलमारी में चोरी करने आया था? हाँ हम लोगों को ऐसा लगा। हम लोगों को ऐसा लगा? नहीं हम लोगों को ऐसा नहीं लगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बच गए। बच गए, बच गए तुम लोग मेरे गुस्से से, मेरे कहर से, वरना मैं कस्तूरी को कहकर तुम सबको सजा दिलवाता। जानते हो ना, मेहमान भगवान होता है। चलो चलो बच्चे, चलो चलो भगवान को ताऊ जी को आराम करने दो। चलो 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 आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। सत्यानाश हुई इस रॉकी का, इसकी वजह से मैं चोरी भी नहीं कर सका। बालवी तुम्हारे कहे अनुसार मैंने अपने इस खुफिया चित्र खींचू यंत्र से चित्र तो ले लिया है, लेकिन तुम कैद खाने की तस्वीर का करोगे क्या? मैं नहीं नटखट परी, आप करेंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर हूबहू इनके जैसा जीवन चित्र बनाएंगे, जैसा आपने रानी परी का बनाया है। हाँ? क्योंकि वही चित्र छल परी को छूने में मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। अब मैं तुम्हारे ही हथियार से तुम्हारा खेल खत्म करने आ रहा हूँ। कैसी है चाय? चाय तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर फाफड़ा भी मिल जाता तो बहुत मजा आ जाता। पिता बहू फाफड़ा लाना। ए महेश, महेश क्या हो रहा है तुझे? वाइब्रेशन बाबू जी, फोन आया। फोन फोन बोलिए। हेलो, हाँ जी महेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बराबर नंबर लगाया है। हाँ क्या, कब, कैसे? ये वैस क्या हुआ? एक खुश खबर है, आदमी छे
और खुशखबरी एक बहुत नाइंसाफी है। हाँ हाँ बापू जी, लेकिन ये खुशखबरी ऐसी है कि सुनाने के बाद सब लोग खुश हो जाएंगे। हम लोग सब घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, शॉपिंग करेंगे। हाँ, और फिर मैं बेड से नीचे गिरूंगा और सपना टूट जाएगा। अरे बच्चों, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। बापू जी, मेरा प्रमोशन हुआ है। मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। मुझे मुझे 4 महीने का बोनस मिला है। और पिता, बॉस खुद प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लेटर लेके यहाँ आ रहे हैं। फिर तो मैं अपनी फेवरेट डॉल ले सकती हूँ ना। अरे डॉल क्या बेटा, तू डॉल हाउस ले ले। डॉल हाउस मानव, तेरे लिए नई वीडियो गेम। बाबूजी, आपके लिए नया चश्मा। पिता, तुम्हारे लिए पहले पर्स लेंगे और उसके मैचिंग साड़ी। नहीं नहीं, पहले साड़ी लेंगे फिर मैचिंग पर्स लेंगे। प्लीज पिता, पहले पर्स लेंगे फिर साड़ी। अरे नहीं नहीं, नहीं। दोनों एक ही है। पिता, जैसा तुम कहो। हाँ। रॉकी, तेरे लिए नए कपड़े और वो भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर वाले। मोटू भाई, फेवरेट फिल्म स्टार वाले। जाने दीजिए, लेने दीजिए। मुझे पता है आप लोगों के दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उसे मैं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग मुझे बताते नहीं हो। लेकिन अब तुम सबको सब कुछ मिलेगा। मैं मेरे परिवार के चेहरे पर खुशियां देखना चाहता हूं। सब मिलेगा। ए बेटा, हमारा सारा परिवार एक है, हम लोग साथ में गम खुशियां सब बांटते हैं, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आपका प्यार ही हम लोगों के लिए असली तोहफा। बाकी इच्छाएं तो आती जाती रही। हाँ पापा। मेरे ताऊजी, आप ही तो परिवार के सदस्य हैं, आपको क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारी तिजोरी में पड़ा हुआ सोना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे तो बस तुम लोगों की सेवा चाहिए। अरे ताऊजी, ताऊजी आप जीते रहो। जोरदार आशीर्वाद दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? चलो अपना अपना लिस्ट बनाना चालू करो। पिता, मैं बॉस को फोन करता हूँ और पूछता हूँ कहाँ पहुंचे, है ना? ये फोन कर गया। ढोकला फोन खा गया। अरे ढोकला मिठा, अरे तूने क्या किया? फोन खा गया। चिंता मत करो महेश बेटा, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। कितने का था मोबाइल? अरे ताऊ जी, आप तो मेहमान है और मेहमान तो भगवान का स्वरूप होता है, आप थोड़ी पैसा देंगे। और वैसे भी महेश को है ना 4 बोनस मिलने वाले, वो पैसे में से नया मोबाइल ले लेगा। बापू जी, हम लोग पहले भगवान का शुक्रिया अदा कर ले। महेश बेटा, यहाँ पे सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत खुशी की बात है। हमें मंदिर जाना चाहिए और भगवान के सामने पीपल फोड़ना चाहिए। चलो मंदिर चलते हैं। हाँ, 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 जाओ जाओ, तुम सब जाओ। मतलब आप नहीं आएंगे? नहीं बेटा, वो क्या है कि मेरे जोड़ों की दर्द की वजह से मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाऊंगा। तुम सब जाओ। चलो 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 चलो। वैसे भी तुम सब जाओगे तभी तो मुझे मौका मिलेगा चोरी करने का। हाँ, ये पुतले बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी है। डुबा डुबाए, ये सारे पुतले तैयार हो गए। हाँ बालवीर, ये देखो, ये रहे। बहुत अच्छे डुबा डुबाए। तो ठीक, डुबा डुबाए और 4, तुम दोनों ये सारे पुतले लेकर परी मैदान में पहुंचो। और डुबा डुबा 2 और 3,
तुम दोनों नटखट परी का बने हुआ सूत्र लिखकर परी मैदान में पहुंचो, ठीक है? जी बालवीर। तो डुबड़बो भाइयों, है मिलते परी मैदान में पूरी तैयारियों के साथ। जी।